हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ? मौसम कैसा है? मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। कई दिन से ना धूप धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो मौसम काफी अच्छा हो गया है और अब अच्छा लग रहा है। मतलब ठंडी भी बहुत नहीं है और बहुत गर्मी तो बिल्कुल फिलहाल है ही नहीं, लेकिन बहुत ठंडी भी नहीं है। ओ मिठू, और ये देखिए दोनों क्या हुआ। और मैं दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी, तो मिट्टू तो खा ली है, पीहू भी बाकी है, थोड़ा बहुत पीहू ने भी खाया है। और पीहू को जेम्स चाहिए क्योंकि इनके पापा लाए थे, तो एक पैकेट दे दिया है। दोबारा फिर मांग रही है, मम्मा एक और दे दो ना, जेम्स दे दो। बता दो सबको क्या चाहिए, बताओ, देखो सबको बताओ। ये पैर का नीचे करो, पहले ऊपर क्यों किए, पैर का नीचे करो। ऐसे ऐसे कौन करता है बताओ, ऐसे कौन करता है? ऐसे अंकल कर रहे थे आंटी को। अंकल आंटी को कर रहे थे? कौन अंकल आंटी को कर रहे थे? अंकल का पैदा कर रहे थे भी, अंकल ऐसे कर रहे थे बोतल से। कौन अंकल? वो वाले। कौन वो वाले जो कर रहे थे वही? अरे कहाँ कहाँ पे देखी थी तुम? मैं देखे थे अभी वो वाले में, उसमें देखी थी मैं। अच्छा मोबाइल में देखी थी। अच्छा वही कर रही हो। सबको हेलो बोल दो बच्चा। हेलो। ऐसे कर रहे थे तो मूवी वाले ऐसे कर रहे थे, भैया के पास जा रहे हैं, पापा मुझे ले जा रहे हैं, उसकी मम्मी नहीं मारेंगी भैया के, मत जाने ठंडा था। अच्छा हेलो बोल दो। हेलो, आप लोग कहते हैं हमने चॉकलेट का जैम खाया है, ऐसे खाते हैं है ना? हाँ फ्रेंड्स, जानी जानी हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आटे का डिब्बा साफ कर रही हूँ। आटा खत्म हो गया था, तो मेरी आदत है कि जब आटा खत्म हो जाता है तो मैं हमेशा ना धो करके सुखा करके आटा भरती हूँ। इससे आटा खराब भी नहीं होता, फिर डिब्बा भी साफ हो जाता है। ये डिब्बा इस बार मैंने दिवाली पे मंगाई थी, जी हाँ 850-850 में मंगाया था। इसके पहले ना सेम इसी तरह मेरे पास एक डिब्बा है, एकदम सेम इसी तरह, ये थोड़ा सा छोटा है, उसमें ना 5 kg से ज्यादा आता है, लेकिन 10 kg भी आ जाता था, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती थी, दबा दबा के भरना पड़ता था। तो बस इस बार नया डिब्बा ले लिया है, तो इसमें 10 kg बिल्कुल अच्छे से आ जाता है। और ठंडियों का सीजन है तो आटा खराब बिल्कुल भी नहीं होता है, 10 kg भी इसमें आराम से आ जाता है और खराब कीड़ोड़े नहीं पड़ते हैं। तो मैं इस टाइम पे 10 kg ही मंगा रही हूँ आटा। तो बस मैंने धो लिया है, अच्छे से पोस्ट लिया है, और ये मैं किचन के सारे सामान निकाल रही हूँ जो नीचे हैं, क्योंकि जहाँ पे आटा रखते हैं ना वहाँ पे मुझे साफ करना है, क्योंकि आटा एक बार रखने के बाद जब तक आटा खत्म नहीं हो जाता वहाँ पे हम कोने में झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। तो बस यही सब सब्जी स्टैंड वगैरह, और ये जो टेबल देख रहे हैं ना, इस पे मैं अपना ट्राइपॉड रख के वीडियो शूट करती हूँ। तो सारी चीजें निकालने के बाद यहीं पे देखिए मैं आटे का डिब्बा रखती हूँ। वैसे दिखाती कम हूँ क्योंकि मैं आटे का डिब्बा नीचे रखती हूँ ना, तो उतना मैं दिखा नहीं पाती इसे। और यहाँ पे पोलथीन था, उसके ऊपर मैं रखती हूँ ताकि आटे के डिब्बे में नमी न जाए। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी, और वैसे यहाँ पे गंदा नहीं होता है क्योंकि डेली साफ उप करते रहते हैं, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देती हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत झाला वाला लगा रहता है मकड़ी वगैरह, तो वो साफ हो जाती है। तो बस वही मैं साफ कर रही थी, और पीहू और मिट्टी को मैंने सुला दिया था, वो सब जगे नहीं है। होता है ना जब बच्चे सो जाते हैं तो फटाक से सारे काम निपटा लो, नहीं तो टेंशन रहता है अब जग जाएंगे अब जग जाएंगे, और दोनों जगने के बाद तो रोना वोना शुरू हो जाता है मिट्टी का। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि मैं सारे काम निपटा लूँ। तो बस जो मैंने बर्तन स्टैंड वगैरह बाहर निकाला था उसे मैं अंदर रख रही हूँ। और ये खलबट्टा है, मैंने इसी शाल मंगाया था, ये 350 के लगभग है। मुझे कुछ करने में ना बड़े खलबट्टे की जरूरत पड़ती थी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैंने एक बड़ा मंगा लिया है, और लोहे का मिलता है बड़ा। और ये मैं एक भगोने में रख रही हूँ,
वॉशिंग पाउडर डाला है मैंने। मेरा जो रोटी बनाने वाला कपड़ा है ना बहुत गंदा हो गया था, रोज़ रोज़ सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी आज कल करते करते ना दिन बीत जाते हैं, तो फाइनली आज मैंने सोचा चलो आज कर ही डालते हैं, आज मैं नहीं डालूँगी और बच्चे सोए थे तो मौका भी अच्छा था। तो गर्म पानी में मैंने अच्छे से भिगो दिया है और उसके बाद साफ़ करने पर इसमें जो भी चीज़ लगा रहता है ना थोड़ा वो तेल वगैरह जो भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और एक और टॉवल है जो कि मैं अपना स्लैब पे बिछाती हूँ, पानी उनी गिरा रहता है तो उसको भी मैं साफ कर डालूँगी। और शाम को यहाँ पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पानी आता रहता है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से बहुत मौसम अच्छा हो गया, भगवान करे ऐसे ही रहे, ठंडी चली जाए। बहुत प्रॉब्लम होती है ना बच्चे छोटे हो मौसम ख़राब हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और अब तो मिट्ठू भी खेलने लगी आंगन में, उसको भी अच्छा लगता है। तो बस ये डिब्बे जो दोनों हैं वो पानी के हैं, एक बड़ा वाला जिससे मैं खाना बनाती हूँ और छोटा वाला वो है डिब्बा जिसमें कि मैं पानी उनी भर के फिल्टर में डालती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा आटे का डिब्बा सूख गया था, मैंने सोचा चलो फाइनली आटा इसमें डाल ही देते हैं, नहीं तो क्या होता है ना बच्चे गिराने उड़ाने का थोड़ा सा डर रहता है। तो बस वही मैं भर रही हूँ और रसोई आटा लाते हैं ये। मुझे ना मार्केट का आटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत पतला होता है ना, चाहे कोई भी आटा ले लो घर का सही रहता है, रोटियाँ भी अच्छी बनती है और मार्केट के आटे से ना पराठा अच्छा नहीं बनता। अगर आप तुरंत आटा गूंथ के बनाओ तब तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर मार्केट का आटा आधे घंटे पौन घंटे आप रख दो ना तो वो चमड़े की तरह हो जाता है बिल्कुल जैसे प्लास्टिक की तरह। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं हमेशा गांव में घर का आटा यूज़ की हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे देखिए पीयू की नौटंकी चल रही है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और अभी मैंने आटे के डिब्बे में आटा भरा, 10 kg लाते हैं ये, ठंडियों का सीजन है तो आटा खराब नहीं होता। जेंट्स चाहिए? हाँ। मेरे बाबू को जेंट्स चाहिए। और चलो पियू चलो 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 बंद करो फ्रिज, ज्यादा देर नहीं खोलते। और ये है इमली, रखे इमली है, इमली मैं अपने फ्रिज में हमेशा रखती हूँ क्योंकि जब मन कर दिया तब तो बनाना होता है ना, बहुत थोड़ी सी इमली है। क्या जेम्स चाहिए? अच्छा ओके मम्मा दीदी उठा पहले भिगो देते हैं बच्चा। और मैं आलू के पराठे आज बनाने जा रही हूँ। हाँ जेम्स पियो को जेम्स चाहिए, सबसे पहले हेलो कर लो बाबू, आप हेलो कर लो। ये जेम्स है। और ये देखिए पियो ने पा लिया, मम्मा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। जा, अंदर जाओ, दूध बॉइल करना है और आलू पानी रखना है। और अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ तो मैं जा रही हूँ किचन में जल्दी जल्दी फटाक से सारा काम करने। और आप लोग इस टाइम क्या करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए किचन में थोड़ा सा काम हम कर लें और चाहे जितना भी जल्दी करो ना, लेट हो ही जाता है, जितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन डेली का डेली लेट हो जाता है, छोटे बच्चे हैं ना तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और मौसम अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा मौसम है और सही है सब। तो चलिए किचन में चलते हैं, थोड़ा सा काम हम कर लेते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि चाहे जितना भी कुछ कर लो, मन हो ना हो, घूम फिर के तो किचन में ही आना है। और मेरे ख्याल से ना मेरा मैक्सिमम पूरे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, सुबह दोपहर शाम मेरा क्या सबका बीतता है। तो बस किचन में आ गई हूँ और वही अपना डेली रूटीन, खाना पानी शुरू हो गया है बनाना। तो यहाँ पे मैं अदरक जीरा डाला है, उसके बाद तेज़पत्ता, फिर अदरक डाल दिया है और इसमें सिंपल से मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च डाला था मैंने। और आलू बॉयल करके अच्छे से मसल लिया है, उसे मैं फ्राई करके आज आलू के पराठे बनाऊंगी। कभी कभी मैं आटे में गूंथ के बनाती हूँ, कभी कभी बस बिना फ्राई किए धनिया पत्ती उत्ती डाल के बनाती हूँ और फ्राई कभी कभी फ्राई करके, लेकिन फ्राई करके बनाने का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, सबसे अच्छा मुझे फ्राई करके ही बनाना अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं सब्जी की तरह छौंक करके भी बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है और ये फ्राई वाला भी ज़्यादा अच्छा लगता है, दोनों तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 5 फोड़न और यहाँ पर मैं डाली हूँ लहसुन, थोड़ा सा अदरक डालूंगी और मैं इसमें मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि पीयू भी खाएंगी तो भी चटनी, चलो पराठा तो मिर्च निकाल दूँ लेकिन चटनी की मैं कैसे निकालती, तो इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाला है। और मैं इसमें नमक नहीं डालती, जैसे होता है ना लोग सफ़ेद नमक काला नमक डालते हैं, वो सब मैं नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी मीठी चीज़ में ना नमक मुझे नहीं अच्छा लगता, चाहे वो कोई भी डिश हो कुछ भी हो,
मैं मीठे में नमक नहीं डालना पसंद करती हूँ, तो बस मैंने छौंक दिया है। और इसे ना मैं गुड़ डालूंगी, क्योंकि इमली की चटनी में गुड़ ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मुझे चीनी वाली अच्छी नहीं लगती। तो बस एक साइड मैं बनाऊंगी पराठे और इधर मेरी चटनी होगी, और काफ़ी अच्छी मुझे चटनी लगती है। मैं तो हर साल ठंडियों में बना करके ना इसे डिब्बे में भर के फ्रिज में रख देती हूँ और महीनों भर खाती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा मैंने नहीं किया है। बस मेरी और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है कलर के लिए, इससे कलर काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी चीनी भी डालती हूँ, गुड़ भी डालती हूँ, लेकिन आज बस मैंने गुड़ डाला है। और एक साइड में पराठे बना रही हूँ, तो मैं लोई की तरह बना रही हूँ ना, भर करके बेल रही हूँ, तो मेरा फट जा रहा है, तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई। तभी मुझे याद आया कि अरे बना रही हूँ आलू का पराठा और इमली की चटनी। मैं इसमें काला नमक कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे सिंपल सा पसंद है। और पता है मैंने ना मार्केट का आटा जो है ना गूंथ के रख दिया था, इसे गूंथ के रखने के बाद ना ये बहुत पतला होता है ना, तो एकदम प्लास्टिक की तरह हो गया, तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तुरंत बना तो अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लग जाता है ना तो अच्छा नहीं बनता, तो मैं अब ऐसे नहीं बनाऊंगी। अच्छा नहीं बन रहा है, तो मैं इस तरह से बनाने जा रही हूँ। आपको पता होगा सबको, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ पे बहुत दिनों बाद पता चला। और ये ना मैं पाकी फैमिली ब्लॉग सुनी था, उस दीदी का मैं ब्लॉग देख रही थी, फिर उन्होंने मूली का पराठा इस तरह से बनाया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो इस मतलब जो लोहे करके होता है ना, वैसे वो पराठे नहीं बना पाती, तो उन्होंने इस तरह से बनाया था। एक रोटी के अंदर बेल लिया था, उसके ऊपर ये रख दिया था स्टफिंग के लिए रख दिया था, उसके फिर एक रोटी चिपका करके बेला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ कोई भी पराठा, जब मेरा फटने लगता अच्छा बनता तो नहीं, हाँ लेकिन जब जल्दी जल्दी रहता है, इनको तुरंत गरम गरम मतलब नहीं खा पाते, इनके पास टाइम नहीं रहता, तो क्या होता है ना कि इसको दो भाग में तुरंत हो जाता है, तो या फिर मेरा फटने लगता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था उनका ये तरीका, इससे बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली थी, क्योंकि ना मैं मूली के पराठे भर के बनाती हूँ, तो मेरा मूली का पराठा हमेशा फट जाता था, लेकिन अब उनके तरीके से बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। सो उनके लिए बहुत थैंक यू, और उनकी वजह से ये रेसिपी मैं देखी, उनके ब्लॉग्स भी मैं बहुत देखती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि अब मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी मेरा चीज फटता है ना तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। बस मैंने एक रोटी की तरफ बेल लिया है, उसके ऊपर मैंने रख दिया है आलू, और फिर एक रोटी की तरफ बेल करके ये बहुत अच्छे से बन जाता है। मतलब मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि गांव में मैंने कभी देखा नहीं था, और यहाँ पे ना उनके ब्लॉग में देख रही थी, उनका ब्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखते देखते उन्होंने मूली का पराठा बनाया था, तो वो बता रही थी कि उन्हें भी फट जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता है अब ना मैं कुछ भी, मेरी कोई चीज़ फटती है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड को लेट होता है ना, तो इस तरीके से पराठा बना दो तो उनका तुरंत बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये दो भाग में आराम से खुल जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनके ब्लॉग से, और मैं बहुत सारे लोगों की ब्लॉग देखती हूँ, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी रेसिपी हुई, काम करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनके ब्लॉग्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपने पूरे ब्लॉग में वो काम दिखाती हैं, और कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल सिंपल सी अच्छी सी मुझे लगती हैं। तो बस उनसे मैंने ये सीखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूं कि कहाँ से ये मैंने सीखा, और जो लोग मुझे देखे हैं अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो भी लोग भी जान सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये, और बहुत अच्छे से बन जाता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बनाते होंगे, उन्हें पता है, लेकिन मुझे नहीं था पता, तो मेरे लिए बहुत नई बात है। तो बस इसी तरीके से पराठे बनाने से ना मेरा टेंशन अब बिल्कुल भी नहीं रहता कि अरे मेरे पराठे फट जाएंगे, या मार्केट का आटा ना थोड़ा सा पतला होता है तो कभी कभी नहीं बन पाता है, तो ये प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो गई। वैसे आलू का पराठा कभी फटता नहीं है, लेकिन अगर कभी फटे तो ऐसे बना लो, सही रहता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेडरूम में और खाना पानी सब कंप्लीट हो गया है। इनके पापा सो गए हैं और मीठी भी सो गई है और पीयू जगी हुई है। अब मैं उन्हें सुलाऊंगी और अभी मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि वीडियो मुझे एडिट करना है कल के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगी तो सुबह लेट हो जाएगा। और क्योंकि एडिट करने में 1.5 से 2 घंटे कम से कम एडिट करने में लगते हैं, उसके बाद सेव करने में काफ़ी टाइम लगता है, वॉइस शो भर करो, मतलब कम से कम टोटली एक वीडियो में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं आप लोगों तक पहुँचते, काफ़ी लंबा बहुत कुछ करना पड़ता है ना, थंबनेल बनाओ, ये वो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत लफड़ा होता है इसमें, तो वो सब करना मुझे बाकी है उसके। अभी मैं काफ़ी लेट सोना है मुझे, तो सोचा मैंने वीडियो का एंड नहीं किया तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो सारे काम हो गए, किचन वगैरह सब कुछ समेट लिया है और उसके बाद बेडरूम में आया है। अब बाहर नहीं जाना क्योंकि ठंडी काफ़ी लग रही है। और खाने में, डिनर में जो बनाया था आपने देखा, आलू का पराठा और इमली की चटनी, पराठे काफ़ी अच्छे बने थे। और इस तरीके से ना पराठे जो होता है ना, एक रोटी का लेयर बना करके उसके ऊपर रख करके फिर दोबारा से रोटी बना करके जो बनाओ, ये ना मैंने पहली बार देखा था बाकी फैमिली ब्लॉग्स में। मैं उनके ब्लॉग्स बहुत देखती हूँ, रेगुलर देखती हूँ, कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इसे डाउनलोड करके देखती हूँ, कमेंट कम करती हूँ, मुझे कमेंट कम करने की आदत है, लेकिन उनके ब्लॉग्स मैं डेली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं हमेशा सीखती रहती हूँ, बहुत हमेशा रेसिपी हुआ, साफ सफाई काफ़ी अच्छे से, और उनके ना ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कल 1 साल से उनके ब्लॉग्स देखी हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये जो रेसिपी इन्होंने बताई थी, इन्होंने मूली के पराठे भी बताई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मूली का पराठा मेरा भी फट जाता था। और जब से मैंने उनका देखा ये तरीका बनाने का, तब से मैं मूली के पराठे हमेशा इनके तरीके से बनाती हूँ, कभी नहीं फटते और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये ऐसा हो पाया क्योंकि उनकी रेसिपी मैंने देखी, नहीं तो पता नहीं मुझे आता नहीं आता। तो थैंक यू दी, अगर आप मेरा ये वीडियो कभी भी देखेंगे ना तो आपको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके ब्लॉग्स में बहुत मोटिवेट करते हैं। आप एक छोटी से 0 से लेकर के आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं, तो उसके लिए बहुत आपने मेहनत करी और यहाँ तक का जो सफर था आपका वो बहुत, आपने बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाई हैं। और हम लोग जो हैं आपके ब्लॉग्स बहुत देखती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग्स, लेकिन अगर शायद मुझे नहीं आ पाता, अगर मैं आपके ब्लॉग्स में ये रेसिपी इस तरीके से बनाना नहीं जानती, अगर मैंने नहीं देखा होता तो शायद मैं इस तरह से नहीं बना पाती पराठा। तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और मैं आपकी व्यूअर भी हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखी कभी शायद आप तक ये पहुँच जाए मेरा वीडियो, तो प्लीज़ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू, बड़ा वाला ढेर सारा बड़ा वाला थैंक यू। बस यही कहना था कि उनकी वजह से मैं आज बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो बड़ा वाला थैंक यू। और आप लोग कैसे हैं, आप लोगों ने आज डिनर में क्या बनाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।